डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे सोशल साइंस की क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 65 के सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। ये 13 जनवरी की वर्कशीट है 2022 की, और ये आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है ना, जिसमें आपका पार्ट 4 है जलवायु, उससे रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चार प्रकार के मौसम होते हैं ना, तो उन्हीं में से एक है मानसून की वापसी, इसके बारे में जान लेते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण, आपको पता ना सूर्य जो दक्षिण की तरफ जाता रहता है ना, तो मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, मानसून जो है ना वो उत्तरी मैदानों के ऊपर की ओर शिथिल, मतलब बिल्कुल हल्का पड़ जाता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून भी शिथिल हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, तथा धीरे धीरे ये पीछे की ओर हटने लग जाते हैं, मतलब वापस जैसे जा रहे हैं वैसा होने लग जाते हैं। और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवन उत्तर के मैदान से हट जाती है। ध्यान सुन लो, अक्टूबर के प्रारंभ में जो मानसून पवन है ना वो उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। आपको पता है ना, अक्टूबर से नवंबर में क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे गर्मी बिल्कुल हटने लग जाती है, सर्दी धीरे बढ़ने लग जाती है ना। और इसमें क्या होता है कि उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। कई बार दिन का मौसम ना असहनीय मतलब होता है, जैसे जिनकी अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है तो वो बीमार हो जाते हैं, इस प्रकार का ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि एकदम टेम्परेचर चेंज होता है, रात और दिन ठंडी होने लग जाती है, दोपहर में एकदम गर्मी हो जाती है, तो मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है इस समय। ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, मतलब लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, और यह कब होता है, नवंबर के आरंभ में होता है लगभग में। ठीक है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, और ये कहाँ पैदा होती है, अंडमान सागर के ऊपर। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। ठीक है, ये चक्रवात जो है फिर कहाँ से होकर जाने लग जाते हैं, पूर्वी तट को पार करने लग जाते हैं, जिनके कारण व्यापक और भारी वर्षा हो जाती है। ठीक है, मतलब इन अंडमान निकोबार की साइड में भारी बारिश होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी भी होते हैं, और जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति हो जाती है, जैसे उड़ीसा, ठीक है, नीचे के जो इलाके हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़ जाता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, किस तरीके से ये पीछे की ओर हट रहा है, कौन सी तारीख है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे लाइन डाली हुई है ना, आप बुक में देखेंगे ना, तो बुक में देखेंगे जैसे 1 सितंबर को यहाँ है, फिर 15 सितंबर यहाँ आ गया, 1 अक्टूबर को यहाँ आ गया, ठीक है, इस तरीके से 13 अक्टूबर को यहाँ पहुँच गया, इस तरीके से देखो पीछे की ओर हटता चला जा रहा है। ठीक है, ये आप आराम से बुक में देखेंगे, आपको और अच्छे से पता लग जाएगा आपकी एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, यहाँ लाइन डालने की वजह से क्या हुआ, वो डेट जरा छिपती गई है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, सूर्य किस गति के कारण मानसून शिथिल होते जाता है, मतलब सूर्य जो है ना वो दक्षिण की तरफ जाता रहता है ना, तो सूर्य की किस गति के कारण मानसून शिथिल होते जाता है, तो अक्टूबर नवंबर के माह के दौरान दक्षिण की ओर सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून शिथिल होता जाता है, आभासी गति याद रखना। फिर नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे विनाशकारी होते हैं, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना ये कैसे विनाशकारी होते हैं, आखिर विनाश कैसे ले आते हैं। नवंबर महीने के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर
निम्न वायुदाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थानांतरित हो जाती है। याद रखना, भी हमने पढ़ा भी था कि नवंबर महीने के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न वायुदाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थानांतरित हो जाती है, और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान निकोबार सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और जिनके कारण व्यापक और भारी मात्रा में वर्षा होती है। ये चक्रवात बड़े विनाशकारी होते हैं क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं जिसमें जान एवं माल की क्षति शामिल होती है। आप देख सकते हैं मैंने चित्र में भी आपको बताया था किस तरीके से ये जाता है, और इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ विनाशकारी कभी तूफान बारिश आ जाते हैं। उड़ीसा को भी कई बार सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये कह रहा है उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर में दिन असहनीय हो जाते हैं, मतलब उत्तर भारत जैसे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा, यूपी है, तो इनको असहनीय क्यों झेलना पड़ता है उत्तर भारत में अक्टूबर नवंबर में दिन असहनीय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अक्टूबर एवं नवंबर का महीना शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है और इसमें उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की अवस्था होती है जो बिल्कुल असहनीय हो जाती है क्योंकि रात और दिन ठंडे और बहुत ज़्यादा दिन में तापमान बढ़ जाता है जिसकी वजह से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, असहनीय हो जाते हैं। फिर ये सही और गलत है, मार्च के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं, बताओ सही है गलत? मार्च के प्रारंभ में बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना, अक्टूबर के प्रारंभ में पढ़ा था ना हमने, तो लिख दिया अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल होने के कारण मानसून पीछे हट जाता है, बताओ ये सही है? हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल होने के कारण मानसून पीछे हट जाते, सही है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको ये वर्कशीट करवा दी है, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी हेल्पफुल होगी। देखो SST कई बार एक बार में समझ नहीं आती तो वीडियो को दोबारा सुन लेना, दो तीन बार उस क्वेश्चन को रिपीट सुनोगे तो माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। और एक बात और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, और बाकी मैंने इंग्लिश की भी बना रखी है और भी वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो उनका बेनिफिट भी उठा सकते हैं, और स्कूल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं उसे ज़रूर ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।